जैसा कि आपने मुझे आर्यन सेठ के करेक्टर के बारे में बताया था, उसके बेसिस पर हम लोग केस फाइल कर सकते हैं और एडॉप्शन एजेंसी से वेदिका को वापस लेने के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी बात साबित करने के लिए कि वो एक जिम्मेदार पिता नहीं है, सबूतों की जरूरत पड़ेगी। देयर इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला, आर्यन के खिलाफ विटनेस लानी होगी। दूसरा, वेदिका को आर्यन के खिलाफ बयान देने के लिए राजी करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल फॉर यू? वकील साहब, आर्यन के खिलाफ तो विटनेसेस मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग वेदिका के बारे में ज्यादा श्योर नहीं है, क्योंकि आर्यन उसे डरा धमका कर कुछ भी करवा सकते हैं। नहीं वकील साहब, सबूत हम ले आएंगे, दैट्स अ प्रॉमिस। तो फिर ये केस हम जीत जाएंगे अगर आप सबूत लाने का वादा करती हैं। जस्ट डोंट वरी, बाकी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक यू। चलिए जैसे हम सबूत लाएंगे कहां से? एक काम करते हैं, लेट्स गो टू वेदिका स्कूल, उसके स्कूल जाते हैं और उसे वहां पे बात करके देखते हैं। नहीं अरमान, मुझे नहीं लगता कि कल जो भी हुआ उसके बाद आर्यन वेदिका को उसके स्कूल भेजेगा। पता नहीं उसने कैसे रखा होगा मेरे बच्चे को। जैसे जैसे सुबह आ सके, अगर आर्यन उसे स्कूल नहीं भेजा तो हम कुछ और सोचेंगे। ओके बाय। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए अरमान, मुझे वेदिका की बहुत फिक्र है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स। जैसे क्यों रही हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना वेदिका, तुम रो क्यों रही हो? आप नानी आंटी को वापस बुला लीजिए, मुझे अकेले आपके साथ डर लगता है। अच्छा, तो अब डर लगता है तुम्हें मेरे साथ? या फिर तुम नानी को इसलिए बुलाना चाहती हो ताकि वो तुम्हें अरमान जस्सी के पास लेकर जा सके? सच बोलो मुझे। मैं बड़ी नानी से मिलने गई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं अपनी बड़ी नानी से मिल नहीं सकती? आपने भी तो प्रॉमिस किया था। चुप, जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दो। जाओ यहां से। सॉरी वेदिका, मुझे इस तरह तुम्हारा जीना मुश्किल करना पड़ रहा है, और तुम अरमान और जस्सी का जीना मुश्किल करो, और इसी जीना मुश्किल करने में मेरा काम आसान हो जाएगा। बिना गुलमोहर दिए वेदिका को पाना आसान नहीं होने वाला है अरमान सूरी। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप कहाँ हो मम्मा? पहले तो आप जल्दी आ जाते थे, अब नहीं आ रहे हो। आई नीड यू मम्मा। मम्मा, ऐसा नहीं सोचते बेटा, आपकी मम्मा हमेशा आपके आसपास है। आप गुड गर्ल हो ना, चलो अपने आंसू पोंछो। मैं जानती हूँ बेटा, अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आई प्रॉमिस बहुत जल्द आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। मेरी वेदिका बहुत गुड गर्ल है ना, लेकिन अब मेरी बेबी को थोड़ा ब्रेव भी होना होगा, लेकिन बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, आपने तो कहा था ये पापा मुझे बहुत प्यार करेंगे, प्रिंसेस बना के रखेंगे, लेकिन ये पापा मुझे प्यार नहीं करते। मेरे पास ये पापा क्यों है? ये पापा मुझे डांटते हैं। मेरे पास अरमान जैसे पापा क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जी ऐसा ही चाहते थे, और इसी में आपकी भलाई भी है। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ बेटा, आपके अरमान पापा और जस्सी मम्मी है ना, वो जल्दी ही आपको यहाँ से ले जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी सो जाओ। ओके। जस्सी, कहाँ हो तुम? मैरी, I'm fine। नंदू कहाँ है? मैं कब से उसका नंबर डायल कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। नंदू दिल्ली गया हुआ है कुछ काम से,
लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों साउंड कर रही हो? मैरी, तुम तो जानते हो मैं वेदिका को लेकर बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली हमने एक लॉयर से भी बात की है, उसने कहा है कि आर्यन का चेहरा सबके सामने लाने के लिए हमें विटनेस की जरूरत पड़ेगी। आई होप तुम्हारे ऑफिस में हर कोई मेरा इसमें साथ दे। ऑफ कोर्स जासी, दैट गोस विदाउट सेइंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ हनी। इनफैक्ट मैं क्या, गुमोर का हर एम्प्लॉय तुम्हारे साथ है इस केस में। तुम मुझे बस एफिडेविट भेज दो, मैं यहाँ पे सबकी सिग्नेचर्स ले लूंगा। और हाँ जैसी, आर्यन के कैरेक्टर के लिए एक ब्लैक कैरेक्टर सर्टिफिकेट में डिजाइन करवा देता हूँ। यू बी स्ट्रॉन्ग, ओके? थैंक्स मैरी, बाय। डर्टी आर्यन। बेबी क्यों रो रही हैं आप? बेबी हमेशा से आप हमें सहारा देती आई हैं, बेबे हम सबको संभालती आई हैं। आज अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? बेबे आप खुद ही देख रही हैं ना, वेदिका को वापस लाने की हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। मुझे आपका साथ चाहिए बेबे। बेबे जैसे बिल्कुल ठीक कह रही है, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आराम करिए। और आपकी ऐसी हालत अगर वेदिका देखेगी ना तो उसे बहुत दुख होगा। और हम दोनों कुछ ना कुछ करेंगे ना। तुम लोग मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया है। मैं जानती हूँ पापा जी ने मुझे वेदिका की देखभाल के लिए बचा लिया, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के साथ। जैसे बेटा तू जा, तू हमेशा जीतती आई है, कुछ भी कर पर इस राक्षस से वेदिका को छुड़ा ले। पापा जी ने हमेशा तेरा साथ दिया है, आज भी वो तेरा साथ देंगे। जाओ तुम लोग, तब अपना ख्याल रख। दिल्लू ये भगवान का कैसा इंसाफ है, उस फूल सी बच्ची को क्यों सजा दे रहा है और उस पापी को क्यों नहीं सजा दे रहा? बेबे प्लीज, कभी तो समझा कर दू। बेबे तो थोड़ा सा उन दोनों के बारे में सोच, वो तो तुझे देख करके उनका दिल और टूट जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत रख बेबे, हिम्मत रखना थोड़ी सी। क्या करूं बिल्लू, कुछ समझ में नहीं आता। डर लगता है उस राक्षस वेदिका को कुछ कर ना दे। वो मुझे देखने आई थी, फूल सी बच्ची हो लेकिन उसे मेरा कितना ख्याल है। पता नहीं वो दुष्ट उसे ऐसी आंखें दिखाकर चला गया, न जाने उसे बाबा जी मेरी बच्ची की रक्षा करना। चलाओ बेटा खाना खा लो, आ जाओ। मुझे जैसी मामा के पास वापस जाना है, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। देखो बेटा, मैं तुम्हें उनके पास हमेशा हमेशा के लिए भेज दूंगा। पहले मुझे जो चाहिए गुलमोहर, वो मुझे मिल जाए। आओ खाना खाते। मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे खाना नहीं खाना। देखो मैं ज्यादा खुशामद नहीं करने वाला, अगर खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। मुझे जैसी मामा के पास जाना है। बस चुप, बहुत हो। ओ गॉड, इसे तो फीवर हो रहा है, अब क्या करूं मैं?
अरमान, बेटे तुम दोनों अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? डिनर लग चुका है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे अंदर। नहीं मामा, मूड नहीं कर रहा, आप लोग खा लो। बेटा ऐसे कब तक चलेगा, कम से कम खाना तो खा लो। पापा मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाया, आई एम नॉट हंग्री। बेटा अब झूठ भी आर्यन। आर्यन हेलो। हेलो बेटा, पापा मुझे यहाँ से जल्दी ले जा, मुझे फीवर हो गया है, मैं सबको मिस कर रही हूँ। वो नए पापा ने कहा है अगर आप उन्हें गुलमोहर दे दोगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे आपके पास भेज देंगे। आपने दवाई खाई बेटा? नहीं, या कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। आपकी नानी कहाँ है? वो मेरे को बड़ी नानी के पास ले गई थी, इसलिए पापा ने उसे निकाल दिया। मैं भी आ रही हूँ बेटे का, यू डोंट वरी। ओके मम्मा अभी आपके पास आ रही। ओके मम्मा, थैंक यू। हाँ बेटा। वेदिका से मिलने जा रही हूँ अरमान। जैसी, इस वक्त वेदिका को यहाँ पे लाना ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? अब क्या ठीक नहीं होगा अरमान? मेरी बच्ची माँ बुखार से तड़प रही है, दवाई देने वाला कोई नहीं हो। मुझे जाना है अरमान, प्लीज आई हैव टू गो। जैसी देखो, बातों को उलझाने से कोई फायदा नहीं। देखो वी कांट अफोर्ड टू गेट इमोशनल, हम लोग इस वक्त इमोशनल नहीं हो सकते हैं। अगर इस वक्त हमने एक भी गलत कदम उठाया ना तो हमारा केस आर्मी के खिलाफ कमज़ोर हो सकता है। जैसी अगर हम सिर्फ थोड़े वक्त वेदिका की जुदाई बर्दाश्त कर ले तो शायद हम उसे ज़िंदगी भर की मुसीबतों से बचा सकते हैं। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड जैसी, प्लीज़। जैसी बेटा, अरमान बिल्कुल सही कह रहा है, वेदिका को इस तरह यहाँ ले आना उसका मतलब समझती हो तुम? आर्यन अभी पुलिस स्टेशन जाकर हम लोगों के खिलाफ पुलिस केस कर देगा। हाँ बेटे, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, जल्दबाजी में काम मत करो। आर्यन तो यही चाहता है कि हमसे कोई गलती हो और फिर वो उस गलती का फायदा उठाए। मम्मा लेकिन वेदिका की तबीयत बहुत खराब है। बेटे आर्यन उसका फादर है, क्या तुम्हें लगता है उसने उसे मेडिसिन नहीं दी होगी? मेडिसिन बहुत दूर की बात है मम्मा, आर्यन को यह भी नहीं पता कि वेदिका को फीवर है। प्लीज मां अरमान, हम वेदिका को लेने तो नहीं जा सकते लेकिन उसे दवाई देने तो जा सकते हैं ना। आर्यन का क्या, वो तो शराब पी के सो रहा होगा कहीं कोने में। प्लीज अरमान, प्लीज चलो ना। हाँ बेटे, अगर ऐसा है तो तुम दोनों को फौरन जाना चाहिए। चलो जैसे। पूर्व में सोच रही थी माँ बाप के लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? उनकी औलाद की खुशी है ना। हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, अपने औलाद को पढ़ाते हैं लिखाते हैं उनके सक्सेस के लिए, उनकी खुशी के लिए, है ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो इला। पिछले इतने सालों में मैंने अरमान को दिल से बस दो बार खुश देखा है। पहली बार जब उसने जैसी से शादी करने का फैसला लिया और दूसरी बार जब उसने वेदिका को अडॉप्ट करने का फैसला किया। मैंने उसे कभी इतना खुश नहीं देखा। जब उसे वेदिका के साथ खेलते हुए देखता था तो वो मुझे दुनिया का सबसे खुश इंसान दिखाई देता था। उसकी जिंदगी में मैंने वही खुशी देखी इला जो मैंने बरसों पहले खुद महसूस की। अरमान का हाथ पकड़ के उसे
चलना जब सिखाया मैंने, और इला पिछले हफ्तों में वो कितना बदल गया है ना, he's become so much more mature and responsible, है ना? हाँ, इस बात का एहसास मुझे भी हुआ है। आपको याद है पूर्व, जब तक हमारा बेटा हमारी जिंदगी में नहीं आया था, हम दोनों कितना अधूरा महसूस कर रहे थे। फिर अरमान आया, and we became complete, a complete family. मैंने जस्सी में वो ही अधूरापन देखा था, लेकिन फिर वेदिका आई उनकी जिंदगी में और अरमान और जस्सी एक हो गए, दे बिकेम कंप्लीट। हाँ, और वेदिका के जाने के बाद फिर से अधूरे से हो गए इला। इला, हमारे बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है, और अरमान और जस्सी वेदिका के साथ ही खुश है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अगर गुलमोहर आर्यन को देने से हमें अपनी वेदिका वापस मिल जाए तो व्हाई डोंट वी जस्ट गो अहेड एंड डू इट। क्यों ना हम आर्यन की शर्त मंजूर कर लें। इला, मैं आपसे यही बात करने वाली थी, सच मैं यही बोलने वाली थी, और फिर मुझे अरमान और जस्सी पे पूरा भरोसा है, अगर एक गुलमोहर चला भी गया तो वो दोनों मिलकर दूसरा गुलमोहर खड़ा कर देंगे। तो ठीक है, मैं कल ही अपने लॉयर से मिलता हूँ, उसे बात करता हूँ। इला, हमारी छोटी सी वेदिका के लिए और अपने बच्चों की खुशी के लिए ये तो कुछ भी नहीं है, है ना? पुरु, वेदिका की तबीयत वो ठीक तो होगी ना? सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मगर करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम मेरी लकी एंजल हो, तुम ही वो फरिश्ता हो जो मुझे गुलमोहर का तोहफा दिला सकती हो। आई एम सॉरी। डोंट वरी पापा, मैंने जैसी मम्मा से बात की है, आपको गुलमोहर दे देगी। मैं जानता हूँ बेटा, तुमने अभी जैसी मामा के साथ बात की ना, यू आर सच अ स्वीट गर्ल, तुम पापा की मदद कर रही हो ना, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, जैसी और अरमान तुम्हें देखने आते होंगे। रुकी रहो, आ गए वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते हैं ना? तुम उनसे नहीं मिल सकते, मैं मिल के आता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस सूरी, अब क्या प्रॉब्लम? आर्यन, वो वेदिका की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बस उसे ये दवाई देने आई हूँ। अच्छा बहाना है वेदिका से मिलने का, और कोई बहाना नहीं मिला तो दवाई का बहाना ही सही। देखो, मैंने साफ साफ कह दिया तुम दोनों से, तुम लोग वेदिका से हमेशा हमेशा के लिए मिल सकते हैं, कोई बहाना नहीं करना पड़ेगा। आर्यन, वेदिका को फीवर है और समय से मेडिसिन दे। ठीक है, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा उसे। मामा, 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 रुक जा वेदिका। वेदिका, आर्यन हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे से ये दवाई देनी है। नहीं जैसे, हट जाओ तुम यहां से। नहीं जैसे। वेदिका, वेदिका रुको, रुको, वहीं रहो वेदिका, वेदिका वहीं रहो, आगे मत बढ़ना। एक कदम आगे बढ़ाया, जिंदगी का आखिरी कदम होगा, आई प्रॉमिस यू। आज की शाम
मजेदार शाम होगी, क्योंकि आज फिर एक बार गुलमोहर मेरा हो जाएगा। एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा सारा जहां फिर उसे कहेगा हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं।